सब्सक्राइब करें स्मार्ट एग्रीकल्चर चैनल को और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑल सिलेक्ट करें खेतीबाड़ी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोवीटा लिक्विड के बारे में। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बायोवीटा दानेदार के बारे में जानकारी दी थी, तो उस वीडियो के नीचे बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप बायोवीटा लिक्विड के बारे में भी बताइए। तो इस वीडियो में हम आपको बायोवीटा लिक्विड के बारे में बताएंगे, यानी कि आप कौन सी फसल में कौन सी स्टेज पर उसका स्प्रे कर सकते हो, एक एकड़ में कितना डोज लेना चाहिए, इसके अलावा इसकी रेट कितनी है, फसलों में क्या क्या फ़ायदे पहुँचाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, तो इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। किसान भाइयों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके पास जो घंटे के निशान है उसे जरूर दबाइएगा। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं बायोवीटा लिक्विड के बारे में। तो इसको एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और टॉनिक के रूप में इसको जाना जाता है। अगर कंपनी की बात करें तो बायोवीटा लिक्विड की जो कंपनी है उसका नाम है पेस्टिसाइड इंडिया, जिसके और भी प्रोडक्ट मार्केट में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें ये कैसे बनता है, तो यह एक प्रकार की समुद्री शैवाल से बनता है जिसका नाम है एस्कोफाइलम नोडोसम। कंपनी वालों का कहना है कि इसमें 64 प्रकार के यौगिक तत्व होते हैं, इसमें 18 प्रकार के पोषक तत्व, उसके अलावा विटामिन, एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम, यह सब इसमें मौजूद होते हैं। कंपनी वालों का कहना है कि यह पूरी तरीके से प्राकृतिक है, इसको समुद्री शैवाल से बनाए गए हैं, यह कोई केमिकल से नहीं बनता है। अगर बात करें कौन सी फसल में कौन सी स्टेज पर स्प्रे करें, तो आप किसी भी फसल में किसी भी स्टेज पर इसका स्प्रे कर सकते हो, चाहे आप रबी सीजन में करो या फिर खरीफ सीजन में, या फिर आप किसी भी फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हो। और अगर फूल आने के समय स्प्रे करो या फिर फलियां बनते वक्त, या फिर आप कोई प्राइमरी स्टेज पर इसका स्प्रे करो, तो भी आप कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। किसान भाइयों अगर आप इसका स्प्रे करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि कोई कंपनी वाले बोलते हैं कि इसका किसी रासायनिक दवाइयों के साथ इसको मिक्स ना करें, इसको सेपरेट स्प्रे करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बात करें एक एकड़ में डोज की, तो एक एकड़ में आपको 300 ml बायोवीटा लिक्विड का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि यह फसल में किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचाएगा, तो ये फसल की गुणवत्ता बढ़ाएगा, यानी कि फसल में हरापन बढ़ेगा, फूलों को बढ़ाएगा, फलियों को अच्छे तरीके से, फलों का आकार बढ़ाएगा, उसके अलावा टोटल फाइनली ये है कि ये पैदावार को बढ़ाएगा। अगर आप फसल में इसका स्प्रे करते हो तो आप 2 बार स्प्रे भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, 20-20 दिन के अंतराल पर आप इसका 3 बार स्प्रे करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। अब लास्ट में इसकी रेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसकी 1 लीटर की रेट है 780 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में। हो सकता है आपके क्षेत्र में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, कि 1 लीटर की रेट 800 रुपये के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।